हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका सिन्हा एंड इट्स मी वर्तिका। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में जो वर्कआउट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बैक के लिए और आपके आर्म्स के लिए। इस वर्कआउट को करने के लिए हमें किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ हम इसे करेंगे। और कोई सा भी वर्कआउट जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, मैं हमेशा बताती हूँ। जैसा कि मैंने अपना वार्म अप स्टार्ट कर दिया है तो आप भी ज़रूर करें 5 मिनट का वार्म अप। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट वर्कआउट। तो उसके लिए हम ऐसे पेट के बल बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे और अपने पैरों को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे, फर्श से थोड़ा सा, फर्श में टच नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और जैसे हम किसी चीज़ को ज़ोर से पकड़ के पुल करते हैं उस तरीके से हम फील करेंगे कि हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं ज़ोर से। और इस तरीके से हमें ये हम 15 टाइम्स करेंगे। और पहले हम नॉर्मल 15 टाइम्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट राउंड में 15 टाइम्स एक बार और करेंगे। टोटल मिला के हमें 30 टाइम्स करना है और उस समय हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो पहले मैंने 15 टाइम्स कर लिया है और अब थोड़ा स्पीड में मैं करूँगी। और 15 टाइम्स अब मैं थोड़े स्पीड में करूँगी। आपकी जितनी स्पीड है आप उस हिसाब से करना और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप एकदम से नहीं कर पाओगे, इससे आपके शोल्डर में थोड़ा स्ट्रेच भी फील होगा। तो अब हम करेंगे अपना सेकंड वर्कआउट, जिसके लिए हमें उसी पोजीशन में रहना है और अपने दोनों हाथों को एल्बो से ऊपर की तरफ करना है और फिर हमें डाउन करना है, अप एंड डाउन इस तरीके से करना है जिससे कि हमें इनर आर्म्स में इससे स्ट्रेच फील होगा। तो इसे भी हम 15 टाइम्स करेंगे और फिर हम थोड़ा सेकंड राउंड में इसे स्पीड बढ़ाकर करेंगे। तो मैं अब सेकंड राउंड कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप थोड़ा रिलैक्स होके करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने स्पीड को बढ़ाओ। और तो अब हम करेंगे अपना थर्ड वर्कआउट, जो कि इस तरीके से करना है जो हम फर्स्ट और सेकंड वर्कआउट को एक साथ मिलाकर करेंगे। तो जो फर्स्ट हमने करा था, आगे से पुल करना है और फिर अपने एल्बो को ऊपर की तरफ करना है। तो इसे भी हम 15 टाइम्स करेंगे और आप इसे ज़्यादा स्ट्रेस लेके ना करें, बिल्कुल रिलैक्स होके करें। जितनी आपकी स्पीड है उतना करें और ग्रेजुअली अपने स्पीड को बढ़ाएं। तो एक बार मैं 15 टाइम्स पहले ऐसे करूँगी और फिर मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर 15 टाइम्स करूँगी। जितने भी वर्कआउट आज हम करेंगे उसे हमें 30 टाइम्स करना है। इट मीन्स 15-15 का हमें 2 सेट करना है। तो जो 15 का जो सेट होगा स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लो करेंगे और जो सेकंड राउंड होगा उसे हम थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, स्पीड के साथ करेंगे। तो मैंने अपना सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया है। तो जो थर्ड वर्कआउट था ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम करेंगे अपना फोर्थ वर्कआउट। तो फोर्थ वर्कआउट जो हम करेंगे इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे रखना है और पैर को भी हम जैसे पुशअप करते हैं वैसे
उस पोजीशन में आ जाना है और अपने बैक को हमें ऊपर की तरफ पुश करना है। तो इस तरीके से हमें करना है, बैक को आप जितना ज़्यादा ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है। इसका भी हम दो सेट करेंगे 15-15 का। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ वर्कआउट। तो फिफ्थ वर्कआउट के लिए भी हम ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में हमें इस तरीके से रखना है और अपने दोनों पैर को थोड़ा सा अप करना है और इस तरीके से हाथों को अपने रोटेट करना है। इसे भी हम 15 टाइम्स करेंगे, 15-15 का टू सेट करेंगे। इससे जो ये जो वर्कआउट है इससे हमारे शोल्डर का जो जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल होता है और हमें अगर कोई पेन भी होता है शोल्डर में तो वो सारा इससे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो इसका 15 का वन सेट मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं सेकंड सेट कर रही हूँ। और ये सारे वर्कआउट से अगर आपको कोई बैक पेन होता है तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको शोल्डर पे या बैक में या नेक के बैक में नेक के पीछे काफ़ी लोगों को पेन होता है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा आपको। ये वर्कआउट काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसका भी मैंने टू सेट कर लिया है। और अब मैं करूंगी अपना लास्ट स्टेप जो कि मेरा लास्ट वर्कआउट होगा इस आज के इस वीडियो का। तो इसके लिए भी हमें सेम पोजीशन में रहना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाना है और बैक की तरफ ज़ोर से खींचना है, किसी चीज़ को पूरे खींचते हुए पूरे नीचे तक ले जाना है, अपने कमर तक ले जाना है इसको पूरा खींचते हुए। तो इसका भी मैं 15-15 का टू सेट करूँगी। तो फर्स्ट सेट मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब थोड़े स्पीड के साथ मैं करूंगी अपना सेकंड सेट। ये सारे वर्कआउट से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके जो भी अगर बैक में पेन हो या फिर बैक का जो फैट हो, हर चीज़ को ये रिड्यूस करता है। तो गाइस ये था आज का मेरा लास्ट वर्कआउट इस वीडियो का। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं फिर मिलूंगी किसी और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।